नमस्कार, मैं सुमलता, आप देख रहे हैं जेड न्यूज डिजिटल मीडिया। इस वक्त मैं हुकुलगंज क्षेत्र में हूं। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में हो रहे लगातार बारिश की वजह से वाराणसी की गंगा नदी में उफान का माहौल है। और इसी क्रम में आपको बता दें कि लगातार गंगा नदी जो जिस तरह से उफान पे है, तटवर्ती जो इलाके थे वहाँ तो पूरी तरह से बारिश का पानी आ चुका था, बाढ़ आ चुका था, लेकिन जो क्षेत्रीय जो आते हैं जगह, वहाँ पर भी पूरी तरह से पूरी जगह डूब चुका है बाढ़ में और लोग काफ़ी परेशान हैं। कई लोगों को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है, कई लोग अभी भी अपने आवास पे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी कुछ लोग अपने छत पे हैं। अभी मेरे साथ हुकुलगंज के पार्षद ब्रजेश जी हैं, उनसे बात करते हैं कि जो बाढ़ का माहौल पूरा आया, ऊपर बाढ़ आया, लोग इसमें परेशान हैं, उन्होंने अपने जरिए से क्या क्या राहत सामग्री उपलब्ध करवाई है और कैसे लोगों को यहाँ से दूसरी जगह ले जा रहे हैं। ब्रजेश जी, आप कैसे अपने क्षेत्र में कैसे कैसे लोगों को सुविधा पहुंचा रहे हैं? यहाँ शासन की ओर से 3 नाव की व्यवस्था की गई है और 2 बाढ़ राहत केंद्र बनाए गए हैं। कहाँ कहाँ पे? एक मतलब हमारा वार्ड एकदम ए आकार में है, तो एक तरफ जो है जहाँ हम लोग हैं इस समय, यहाँ के लोगों के लिए दीप्ति कॉन्वेंट स्कूल में, और दूसरा मकबूला रोड के लिए है, वहाँ पर सरस्वती विद्यालय इंटर कॉलेज है, उसमें 2 शिविर बनाए गए हैं। और सभी में शासन से जो भी राहत सामग्री आई है, मोदी किट आई है, 35 किलो राशन है, 10 किलो आलू है, और ये सब तमाम व्यवस्थाओं की जा रही है और लोगों को उनके घर से नाव द्वारा जो लोग जाना चाह रहे हैं उनके शिविर तक पहुंचाया जा रहा है। ये कह रहे थे कि NDRF की टीमें गठित की गई थी, यहाँ वहाँ तैनात की गई, हमें कहीं दिखी नहीं जिला प्रशासन की। NDRF की टीम जो है वो लगातार संक्रमण लोग कर रहे हैं, लेकिन पिछले 1-2 घंटे से हम यहाँ हैं, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। नहीं, अभी कुछ देर पहले तो लोग आए थे और उससे फिर आगे तक गए। अभी भी हमने देखा कि बहुत सारे लोग अपने अपने घरों में दूसरे तल्ले पे हैं, उन्हें कैसे सुविधा पहुँचाई जा रही है? अब उनको सुविधा के नाम पे तो इसमें जो हो पा रहा है, हम लोग पानी की व्यवस्था इनको करवा दे रहे हैं। जो 3 नाव लगे हैं, हर नाव पे मेरे 2 वॉलंटियर भी हैं और साथ साथ जा रहे हैं, लोगों घर पानी पहुंचा रहे हैं। अब ये संभव नहीं है, जो इन लोगों से कहा जा रहा है बार बार कि आप लोग चलिए राहत शिविर में, लोग नहीं जा रहे हैं। अच्छा, आपके द्वारा कहा गया? एकदम लगातार कहा जा रहा है और हम लोग एक चक्कर तो हम डेली पूरा मारते हैं, पूरा मतलब यहाँ से भगवान आला से हमारा वार्ड शुरू होता है और जाता है जिले के सामने पहरू वीर बाबा तक, हम जाते हैं डेली एक चक्कर। जिन्हें शिफ्ट कर दिया गया उनके लिए क्या व्यवस्था है? उनके लिए राहत शिविर में पूरी व्यवस्था है, खाने पीने की सब व्यवस्था है। उनको 35 किलो अनाज का पैकेट जिसमें नमक मसाला तेल रिफाइंड बिस्किट के साथ साथ 5 किलो लाई और 10 किलो आलू की भी व्यवस्था है कि लोग सब्जी भी बना के लोग खा लें। जैसे देख रहे कि हुकुलगंज का क्षेत्र जहाँ अभी हम उपस्थित, पूरी तरीके से डूब चुका है, लगभग 225 परिवार जी, इसमें 200 मकान, 225 मकान इसमें बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में है। कितने लोग इस बाढ़ के प्रभाव में आए होंगे? लगभग 1200-1300। इनको इतने छोटे जगह पे कैसे शिफ्ट किया जा रहा होगा, क्योंकि आपने बताया 2 राहत शिविर जैसा कैंप बनाया गया है, कितने लोगों की क्षमता है? दोनों बड़े विद्यालय हैं। विद्यालय में कितने लोग? एक विद्यालय में 300-400 आराम से हो जाएंगे। और उसके बाद अगर वो ये लोग वहाँ जाएंगे और अगर उसमें भीड़ ज़्यादा हो जाएगी, स्थान कम पड़ जाएगा, तो फिर तुरंत कम। कोविड का भी थोड़ा देखना होता है, उसकी व्यवस्था हम लोग कराएंगे, लेकिन लोग पहले जाएँ। तो अभी वो आगे जो यहाँ पे दीप्ति कॉन्वेंट शिविर है, अभी तक उसमें केवल 15 परिवार गया और जो सरस्वती स्कूल है उसमें 49 परिवार। तो आपने देखा हुकुलगंज क्षेत्र में पूरी तरीके से बाढ़ आ चुका है। आप बता दें कि पहला तल तो डूबा हुआ है, अब तो आलम यह है कि लगातार जो गंगा का पानी बढ़ रहा है उसकी वजह से दूसरा तल भी डूबने के करीब आ चुका है। लोग यहां से पलायन करें, कुछ लोग अभी यहां मौजूद भी हैं। और तो सबसे बड़ी बात की जिला प्रशासन ने यहां लाख कवायद की है, लेकिन फिर भी उनके डर से कोई डरा हुआ नहीं है। कुछ लोग बाढ़ के पानी में इंजॉय करते हुए नज़र भी आ रहे हैं, हालाँकि यहाँ NDRF की टीमें लगाई गई थी, दिखी नहीं हमें। और इसके साथ ही आपको बता दें कि बहुत सारे क्षेत्र जैसे कि सामने घाट, कोनिया और तटवर्ती इलाके जो पूरी तरह से डूब गए, शहरी क्षेत्र के जो अच्छे अच्छे शहर थे वो भी पूरी तरह से बाढ़ में डूबे हुए हैं, उनका भी इस समय पलायन लगातार जारी है और जिला प्रशासन भी अपनी तरह से पूरी कवायद कर। जैसे कि आपने देखा कि अभी हम बाढ़ इलाके में गए हुए थे, वहाँ देखा हमने कि घरों के अंदर पानी घुस चुका है, घर के ऊपर तक पानी आ चुका है, लेकिन वहाँ से लोग जो निकले हैं उनके लिए एक राहत शिविर केंद्र बनाया गया यहाँ के पार्षद द्वारा। तो वहाँ लोग हैं, कुछ हमारे साथ अभी मौजूद हैं, उनसे हम बातें करेंगे कि वो कैसे यहाँ पर आए, उन्हें यहाँ पर क्या क्या सुविधाएँ मिल रही हैं और क्या क्या दिक्कतें हैं। चलिए उनसे बातें करते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं। आपका क्या नाम पड़ेगा आंटी? निर्मला। आप कब आए यहाँ पर? कॉल कर। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या क्या सुविधा प्राप्त की गई? यहाँ रूम मिला। अच्छा। और सरकार आलू
प्याज प्याज नहीं आलू और रिफाइन तेल चावल आटा ये सब दिए हैं, खा रहे हैं, रह रहे हैं। और कुछ आपकी ज़रूरतें हैं जो हाँ, भी अभी अभी तो जरूरत पूरा है ये है। क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या और मांगे आपकी, क्या होना चाहिए आपको? अरे अब देखो पूरा घर डूब गया है, रहने के मतलब पैसा कौड़ी हर चीज़ कुछ ना कुछ चाहिए न, तब खाली आटा चावल ये सबसे फिर चल जाएगा। तो गैस नहीं मिला है? नहीं गैस नहीं मिला है। तो खाना कैसे बन रहा है? नहीं तो अपना अपना सब लेके आए, कपड़ा लत्ता लेके आए हैं, तब तो कहिए। अच्छा आज हमें चावल दाल नहीं बन मिला है हमने के वहीं। अच्छा तो आप अपना गैस सिलेंडर लेके आई हैं? हाँ। उसी में बना रहे हैं? हाँ। अच्छा और कोई व्यवस्था में और कुछ मिला है? नहीं कुछ नहीं। टॉयलेट वॉयलेट का क्या व्यवस्था है इधर? कुछ है नहाने के, नहीं टॉयलेट बाथरूम नहाने वाला और वो बाथरूम करने का वही है, वही है एक ही है। आप लोगों को दिक्कत महसूस हो रही है क्या यहाँ पे? अच्छा आप और क्या चाहती हैं अपने लिए? आप पैसा कोई हर चीज चाहिए, खाना ना बनाए हर चीज करे के अब खाली आलू भिजवा दिए, आटा किसान भिजवा दिए, सूखे तो खाएंगे नहीं, सूखे नहीं कुछ अब मिले नहीं। अच्छा आपका क्या नाम होगा? साजदा। अच्छा कब आई आप यहाँ? हम तो अभी आए हैं सुबह 10 बजे। अच्छा घर में आपके पानी घुस गया है? एकदम घुस गया, एक एक दाना हमको यहाँ कुछ भी नहीं मिला है, अभी कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। अच्छा क्या आप कुछ बोले कब तक मिलेगा क्या होगा? अब ये सब हमको नहीं पता, आया है पर मिला नहीं कुछ भी। आपको यहाँ पे ला के रख दिया गया है, कुछ बताया नहीं कब तक देंगे? हम नहीं, खाली रहने से नहीं ना होगा, उसको हर चीज़ की सुविधा चाहिए। क्या क्या चाहिए आप बताइए? क्या क्या चाहिए? राशन है, पानी है, रहने का साधन है, तेल है, साबुन है, पैसा है, कौड़ी है। कितने लोग आए हैं आपके घर? हमारे 2 बहू बेटा हैं, पोता पोती हैं, सब लेके छोटे छोटे हैं, नहीं बड़े बड़े हैं मतलब, लेकिन सब लेके 10 पर हमारे 2 बच्चे छोटे हैं, बच्चे 2 बच्चों के लिए कुछ दिया अलग से? नहीं हमारे 2 बच्ची हैं, आखिर बात जो है कि 7 परिवार हम लोग हैं, बच्चों के लिए कुछ अलग से नहीं दिया। दूध सुबह आया था दोपहर के दूध 1 केला। तो देखा आपने हम लोगों हमने कुछ लोगों से बात की, इन्होंने बताया कि पूरी ज़रूरत का सामान इन्हें मिला नहीं है, सिर्फ आलू से खाना थोड़ी बन जाएगा। इनका कहना है कि गैस सिलेंडर भी हमें नहीं दिया गया है, हम घर से लेके आए हैं। अभी कुछ लोग जो अभी अभी यहाँ आए हैं उनका कहना है कि हमें तो अभी कुछ राहत सामग्री मिली ही नहीं है। इनका कहना है कि हमें और भी बहुत कुछ की ज़रूरत है जो कि अभी तक पूरी नहीं की गई है, बाकी और भी व्यवस्थाएँ यहाँ पर हैं। तो इस खबर में इतना ही, ऐसे ही खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए आप हमारे चैनल से। कैमरा पर्सन सुमन के साथ मैं उमा तिवारी, Z News Digital Media के लिए धन्यवाद।